किए थे। मैं मैम, कबंदी प्रश्न का और पूछ रही भाग थी। दो दो लोग का किया था ना? नहीं, टोटल आपने बताया था कि इतना हमें 6 प्रश्न पढ़ना है, छह तो प्रश्न हैं, उसमें से दो प्रश्न हुए थे जिसमें कबंदी का प्रश्न था और भार्गव का। भार्गव ने इसमें 5 प्रश्न पूछे हैं, कबंदी ने 1 प्रश्न पूछा है। ओके ठीक है। लवी जी आप बताइए, सौरभ जी सुनिएगा, कल हम लोगों ने कितने प्रश्न किए थे? मैम कल हमने 3 प्रश्न कर लिए थे और शायद चौथा भी हो गया था, गार्गे वाल नहीं, 3 ही हुए थे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स आज करेंगे। ओके ठीक है। सौरभ जी आप बोल रहे थे 2 प्रश्न किन्होंने किया है? मैम, मैं बोला कि भार्गव भार्गव जो है वैदा भी हैं, ये भृगु भृगु में जन्मे भार्गव जो वैदर भी हैं, इन्होंने 5 प्रश्न पूछा है, ये मैं नहीं बोल तो रहा था। फिर जो 6 प्रश्न तो अलग अलग ऋषि ने किए थे ना, जैसे एक हाँ, तो काबंदी ने किया वो था। मतलब इन्होंने पिपलाज ऋषि से 5 प्रश्न पूछा, मैंने ये बोला मुख्य प्रश्न 6 हैं और इसी 6 के अंदर में अलग अलग लोगों ने मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग पूछे हैं, ये मैं अच्छा बोल मतलब रहा। उसके अंतर्गत। हाँ ठीक हाँ, है सर। अंतर्गत ये मैं बोल रहा। ओके ओके ठीक है। आप लोगों का डिस्कशन देख के बढ़िया लगा मुझे, ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ा थैंक यू मैम। कीजिए तो आप लोगों को और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है चलिए। यस मैम। कबंदी ऋषि ने कौन से प्रश्न किया था, किससे संबंधित प्रश्न किया था? रई और प्राण के संबंधित, ये चराचर जगत जो है कैसा, सबसे पहले कैसे उत्पन्न हुई, तो पिपलाज ऋषि ने इससे बोला था कि सबसे पहले जो ब्रह्म है उन्हें प्रजापति, इसमें बोला गया है जो प्रजापति ब्रह्म है उन्होंने सबसे पहले 1 साल तपस्या की, उस तपस्या से जो है मैथुनी शक्ति उत्पन्न हुई और इस मैथुनी शक्ति से दो चीज उत्पन्न हुई, रई और प्राण। रई और प्राण, उन्होंने बोला कि यही दो जो शक्ति है रई और प्राण, इसी से ये पूरा चराचर जगत उत्पन्न होता रहेगा। जो प्राण है वो भोक्ता है और रई भोग्य है। ओके ओके ठीक है सरद जी बहुत बढ़िया। विजय जी बताइए, रई को और किस किन नामों से जाना जाता है, या क्या क्या कहा जाता है, क्या क्या शब्द जो है यूज किए गए हैं रई के लिए? विजय जी ओके मैम मुझे भी याद नहीं आ रहा। ठीक है। अभी कोई और ज्वाइन किए हैं कि आप 3 ही हैं? मैम सीमा जी चार ने है। नया ज्वाइन किया है। ओके चलिए सीमा जी बताइए, हाँ जी मैम। रई को और किन-किन नामों से जाना जाता है, क्या-क्या कहा जाता है? मैम चंद्रमा, पितृयान, दक्षिणयान, और मैम कृष्ण शुक्ल, कृष्ण। ओके पृथ्वी, पृथ्वीयान ये वर्ड तो नहीं है उसमें? मैम अपने देवयानी पृथ्वी, मैंने वो ना पहले भी पढ़ा रखा है ना इस चीज को थोड़ा अच्छा ठीक सा। है। मैम नहीं पृथ्वी तो होगा, मैम पृथ्वी होगा क्योंकि पृथ्वी पृथ्वीयान था, देवयान नहीं पृथ्वीयान। पृथ्वी भी होगा ये मैम सूर्य के प्रकृति के कंटेक्स्ट में। मैम आदित्य, प्राण तो चंद्रमा, रई, एक सेकंड मैं चेक कर लेती, पृथ्वी शायद नहीं है। मैम ये नहीं बोल रहा, मैम आपने नहीं लिखा है बट मैम और टेक्स्टों में लिखा हुआ है, ये मैं बोल रहा। जैसे मतलब ब्रह्म के लिए सूर्य भी जो है भोग्य है, ये मैं बोल रहा। जो ब्रह्म है ओके बोलिए बोलिए मैं सुन रही हूँ। मैं ये बोल रहा कि जो ब्रह्म है ना वो प्रजापति, उनके लिए सूर्य जो है रई है और सूर्य के लिए ब्रह्म जो है प्राण है, ये मैं बोल रहा। मैं देख लेती हूँ एक सेकंड ना। ओके बाकी तब तक बताइए
और भी अन्य नाम, मैं इसमें चेक करती हूँ कि पृथ्वी वर्ड है कि नहीं। मैम बाकी तो स्क्रीन पे दिख रहा है। ओ चलिए मैं इसे हटा देती हूँ। चलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि क्या बोलते हैं जो सूर्य संवत्सर हैं उनके कितने पैर बताए गए हैं? सूर्य संवत्सर के पांव किसे कहे गए हैं और कितने बोले गए हैं? अच्छा, इन्हें तो 5 ऋतुओं को बोला और 5 पैर बताए हैं इनके। 5 ऋतुओं को ही 5 पैर कहा गया है। ठीक है, चलिए मैम अभी आपने क्या मेरे बोला पीछे इनका? संवत्सर। से आवाज आ रही क्या? 1 सेकंड। वन सेकेंड रुकेगा। चलिए मैं ये बोल रही थी, मेरे बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही नहीं मैम। है। चलिए हाँ, लवी जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ मैम, आपने भी इसका क्वेश्चन क्या बोला था? मैंने कहा था सूर्य संवत्सर के कितने पैर हैं, ये पूछा था ना मैंने। मैम 5। हाँ और कुछ पूछा था क्या? थोड़ा इसको मैम इसको डिटेल में बता आपके साथ दीजिएगा एक कुछ बार। और वर्ड यूज किया था ना, तो इसलिए पूछा। अच्छा 5 ऋतु बोला था मैम, थोड़ा इसको डिटेल बता दीजिएगा। हाँ, 5 ऋतु बोले थे, उसमें से जो है कितनी ऋतुएं होती है हमारी? 6 ऋतु है ना। तो जो 6 होती हेमंत और है मैम। शिशिर है उनको एक कर दिया गया है, ठीक है, तो वो दोनों एक हो गए, तो उनकी जो काउंट होगी 5 होगी। ठीक है, 6 ऋतुओं में हेमंत और शिशिर, इन दोनों ऋतुओं की एकता कर दी गई, यानी कि दोनों को एक कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर काउंट करेंगे जो 5 ऋतु है, यानी कि हेमंत और शिशिर, इनको एक कर दिया गया तो हो गया मिलाकर 5। तो इन 5 ऋतुओं को ही सूर्य संवत्सर का क्या कहा गया है? 5 पांव कहा गया है। 12 मास जो है, 12 मंथ, उनकी 12 आकृतियां कही गई है। ठीक है, और द्यूलोक का आधा हिस्सा इसकी पूरी नगरी। द्यूलोक का अर्थ मैंने क्या बताया था, बताइए? स्वर्ग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर ना, तो पृथ्वी वर्ड जो है श्लोक में नहीं दिया गया है, ठीक है, मैं आप लोगों को इसका जो मंत्र है वो भेज दूंगी। यहाँ पर जो है पृथ्वी वर्ड जो है रई के लिए यूज नहीं किया गया है। जी मैम, मैं वो समझाने के टेक्स्ट में मैंने बोला, मतलब हाँ ठीक बोला है, समझाने के टेक्स्ट में लेकिन वो लिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी हमको यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर हमारे मंत्र में दिए गए हैं ना, उन्हीं को याद रखेंगे, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि हमने डिस्कशन किया था पृथ्वी और फिर आ गया अगर ऑप्शन में तो उसे ही लगा कर आ गए। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट वर्ड है उसी को आप लोग ध्यान रखेंगे। अहोरात्र प्रजापति से दिन और रात का जोड़ा जो है, प्रजापति जोड़ा ही जो है उसको प्राण और रई कहा गया है, दिन और रात्रि को भी। पृथ्वी वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। ओके चलिए आगे बढ़े फिर। हमने हम सेकंड जो है, सेकंड ऋषि कौन थे और उन्होंने कौन सा प्रश्न किया हुआ था? हम भार्गव ऋषि थे और उन्होंने ये भार्गव पूछा था कि प्रजा को कौन धारण करता है? हाँ, और फिर थर्ड ऋषि हमने कौन सा पढ़ा था, उन्होंने किससे संबंधित अश्वलायन। प्रश्न किया उन्होंने था? उन्होंने पूछा था कि प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है, और उनके भी मतलब अलग अलग प्रश्न थे ना कि किसके द्वारा शरीर से उत्क्रमण होता है। हाँ जी, तो कौन जो है शरीर से उत्क्रमण करता है प्राणों को, कौन सी वायु जो है, उदान वायु। ठीक है, और वो शरीर से किस तरह से प्रवेश करते हैं, किस तरीके से मतलब शरीर में आते मन हैं? मन के द्वारा, मन मन के साथ आत्मा आती है। आत्म मन जैसे के हमारे संकल्प साथ से जो प्राण रहता है वो आत्मा अन्य आत्मा प्राणों को करता है ना। तो यहाँ पर वर्ड याद रखेंगे, मन के संकल्प से जो प्राण है वो शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है,
और उनके अलग अलग कार्यों में जो विभक्त करता है वो कौन है? वो प्राण है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमारा हो गया था। मैम एक बार नाम वाला ये स्लाइड दिखाइएगा क्या? मैं नाम वाली स्लाइड, जो मतलब जो ये जिज्ञासु विषयों का नाम दिया हुआ है। ये ना? हाँ हाँ ठीक है। और प्राणायाम, प्राणायाम यानी कि प्राण से संबंधित मंत्र कौन से ऋषि ने, ऋषि के द्वारा अर्थात पिपलाद ऋषि ही बताएंगे, लेकिन कौन से प्रश्न के अंतर्गत आएगा? प्राणु, जब हम प्राण वायु से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरीके से माता जो है अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा करिए। तो ये प्रतीत नहीं आएगा, अश्वल में ही आएगा मैम। ठीक है, प्राण उत्पत्ति संबंधित उन्होंने प्रश्न किया ना कि प्राणों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसलिए वहां पर ये मंत्र आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, और प्राणायाम की विधि कहाँ बताई गई है, कौन से उपनिषद में बताया गया है? शायद ईशावास में बताया। कठ में मैम। ओके ओके ठीक है। नहीं, वो था ना आत्मा के बारे में बताया था हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में वहां पर बताया जाएगा मेथड। और प्राण से संबंधित जो प्रश्न, जो मंत्र दिया गया है वो भार्गव ऋषि के प्रश्न के उत्तर में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 2/13 में ये हो गया, प्राण छेदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञाम च विधेहि न इति। ठीक है, ये जो है भार्गव ऋषि के प्रश्न में किया गया है आंसर। नाड़ियां कितनी बताई गई हैं प्रश्नोपनिषद के अनुसार? 101 ना जी, टोटल नाड़ियां, टोटल नाड़ियां 72,000 ना ना, यही तो आप गलती करते हैं। 84,000 बताया था क्या उसको? 1 करोड़ के आसपास बताई गई। 72 करोड़ था शायद, 72 करोड़ शायद। हाँ कंफर्म है, 72 करोड़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप लोग करेंगे लगता है मुझे तो। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, 72 करोड़ ये देखिए। और 101 नाड़ियां जो है हृदय से उत्पन्न होती है, फिर उसकी प्रत्येक की 100 शाखाएं, फिर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके मैम, आपने क्या बोला, आपकी आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि 72 करोड़ नाड़ियां टोटल है, उसकी जो है उप शाखाएं। मैम फिर आपकी आवाज गई उप शाखाएं के बाद। मैम आप ऑडिबल नहीं है। हरी ओम, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम अभी आ रही है। ओके, मैंने कहा 72 करोड़ नाड़ियां टोटल यहाँ पर बताई गई हैं, उसमें से 101 नाड़ियां जो हैं हृदय से निकलती हैं, उसकी 100 शाखाएं हैं, है ना, फिर प्रत्येक 100 की 72,000 शाखाएं हैं। ठीक है, तब जाकर टोटल वो कितने करोड़ नाड़ियां हो जाएंगी, 72 करोड़ नाड़ियां हो जाएंगी। ओके यस मैम। चलिए, तो अब किसी का कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। यस मैम। चलिए अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न जो है गार्ग ऋषि के द्वारा किया गया है, जो सूर्य पुत्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो गार्ग ऋषि जो है यहाँ पर पिपलाद ऋषि से अपने प्रश्न करते हैं। भगवंते अश्मिन पुरुषे कानी स्वप्नानि
कानी श्वपन्ति श्वपन्ति कान्य अस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य तत् सुखं भवति कस्मिन् कस्मिनु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गार्ग ऋषि संबोधित कर रहे हैं किसको, पिपलाद ऋषि को, बोलते हैं भगवान इस मनुष्य शरीर में कौन देव सोते हैं, कानी श्वपन्ति, ठीक है, कौन देव सोते हैं, कौन देव जागते रहते हैं, कान्य अस्मिन् जागृति, कतर एस देव स्वप्नान पश्यन्ति, अर्थात कौन देवता स्वप्नों को देखता है, कस्य तत् सुखं भवति सुख का अनुभव कौन करता है, कस्मिन् सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इति, अर्थात संपूर्ण जगत पर या संपूर्ण जगह पर कौन प्रतिष्ठित होता है या कौन स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गार्ग ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है उसमें कौन देव सोते हैं, कौन देव जागते हैं। ठीक है, जब हम सोने के बाद भी जब स्वप्न देखते हैं तो उन स्वप्न को देखने वाला होता कौन है, ठीक है, कौन देव जागता है, कौन सुख का अनुभव करता है और कौन जो है सभी जगह पर प्रतिष्ठित होता है। प्रहलाद ऋषि इनका आंसर देते हैं, मनुष्य शरीर में सोता है मन, ठीक है, मन सोता है, कौन कौन देव जागते हैं, तो पंच प्राण रूपी अग्नियां जागती हैं। पंच प्राण हमारे कौन कौन से हैं बताइए, हाँ ठीक है, तो ये जो पंच प्राण रूपी अग्नियां हैं ये जागती रहती है हमारे सोने के बाद भी। कौन देवता स्वप्नों को देखता है, ठीक है, तो देव कौन देखता है, जो हमारे अंतःकरण होते हैं, मन इंद्रियां, है ना, ये जो है हमारे स्वप्नों में, जब हम स्वप्न में भी हमको कैसे अनुभव होता है कि आज मैंने ये सपने देखा या मैं सपने में ऐसे यहाँ गई थी वहां गई थी ऐसे देखा मैंने ऐसे देखा, तो हम तो सो जा रहे थे ना, तब वहां पर हमारी कार्य कर रही होती है अंतःकरण, अर्थात मन और इंद्रियां जो है इन सारी चीजों को अनुभव करते रहता है। सुख किसको होता है, तो सुख होता है आत्मा को, ठीक है, और ये सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थित रहते हैं, अर्थात यहाँ पर इन सब में यानी कि हमारे शरीर में सब जगह पर कौन स्थित होता है, तो सबका जो आधार है सब जगह पर स्थित जो होते हैं वो परमात्मा स्थिर होते हैं। ठीक है, तो गार्ग ऋषि का यहाँ पर प्रश्न होता है कि कौन देव सोते हैं, कौन जागते हैं, कौन स्वप्नों को देखता है, सुख का अनुभव किसे होता है ना, और सबका आधार क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है, पिपलाद ऋषि बोल रहे हैं कि शरीर में जो सोता है वो मन है, जागता है जो पांच प्राण रूपी अग्निया है, स्वप्न देखता है जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा के अंदर कौन है, मन और इंद्रियां है, है ना, यही सारी जो विभूतियां हैं उनको अनुभव कराता है। सुख किसको होता है, तो आत्मा को सुख होता है, और ये सब किसमें निश्चित रूप से संपूर्णतया स्थिर रहते हैं, इनका आधार कौन है, तो इन सब का आधार जो है परमात्मा है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे देखते हैं हम, अब पंच प्राण रूपी अग्नियों को यहाँ पर बताया गया है कि और उनको किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो अपान को जो है ग्राहपत्य अग्नि कहा गया है। ठीक है, अपान को यहाँ पर क्या कहा गया है, ग्राहपत्य अग्नि। व्यान को कहा गया है अनिवार्य पचन नामक अग्नि। ठीक है, क्या कहा गया है, अनिवार्य पचन नामक अग्नि या फिर दक्षिणा अग्नि कहा गया है। प्राण को आह्वनीय अग्नि, है ना, प्राण रूपी आहुति हम लोग जब देते हैं, है ना, आह्वान करते हैं देवताओं का, इसलिए इन्हें आह्वनीय अग्नि कहा गया है। समान को कहा गया है ऊर्ध्व श्वास और अधोश्वास, ये दोनों अग्निहोत्र की दो आहुतियां हैं, इनको जो संभाव से सब ओर पहुंचाता है वो समान वायु है। समान वायु क्या करता है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके रस को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है ना, शरीर को जो है बल प्रदान करता है, तो ये किसके द्वारा होता है, समान वायु के द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें अग्नि की आहुतियां कही गई हैं। ठीक है, फिर उदान वायु को कहा गया है अभिष्ट फल देने वाला है। ठीक है, उदान वायु क्या करता है शरीर में, क्या बताया गया उदान वायु के लिए, क्या कहा गया है, प्राप्त कराता है, यहाँ से प्राण निकल जाए तो मैं बोला जाता है कि मुक्त प्राप्त होगा। उदान वायु जो है उत्क्रमण कराने का काम करता है, इसलिए क्या कहा गया अभिष्ट फल
जो है प्राप्त होता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है उदान वायु के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इनके नामों को याद रखिएगा क्या क्या कहा गया है। तो अपान को कहा गया है ग्राह्यपत्य अग्नि, व्यान को कहा गया है अनिवार्य पचन नामक अग्नि या फिर दक्षिणा अग्नि कहा गया है। ठीक है, प्राण को कहा गया है आहवनी अग्नि। ओके, फिर उसके बाद समान को कहा गया है ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास, यानी कि ये अग्निहोत्र की दो आहुतियां बताई गई हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, सभी चीजों को सब ओर पहुंचाने का काम करता है संभाव से। और उसके बाद उदान वायु, उदान वायु जो है अभीष्ट फल देने वाला है। ठीक है, चलिए, ये अपान वायु जो है क्या करता है, प्राण वायु को ऊपर उठाने का काम करता है, और किसके थ्रू, उदान के थ्रू, है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मन ही यजमान है, अर्थात जो क्या करते हैं यज्ञ में, यज्ञ करवाने वाले होते हैं, है ना, या जो यजमान होते हैं जो आहुति देते हैं, तो यजमान किसे कहा गया है, मन को कहा गया है, मन ही यजमान है। समान ही हवन करने वाला ऋत्विक है ना। समान वायु के थ्रू क्या होता है, अग्नि में हम आहुति देते हैं, तो उसे क्या कहा गया है, ऋत्विक कहा गया है। और उदान ही इस मन रूप यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गुहा की ओर लेकर जाता है। ठीक है, तो उदान वायु क्या करता है, ये मन रूपी यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है। जो साधक साधना कर रहे होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अनेक तरह के जो है स्वप्न दिखाई देते हैं, कभी वो अपने इष्ट का स्वप्न देखते हैं, कभी किसी महापुरुष का, या कभी उनको मतलब अलग अलग तरह के सपने दिखाई देते हैं जो उन्हें मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है उदान ही इस मन रूपी यजमान को प्रतिदिन निद्रा के समय ब्रह्मलोक में भेजता है, अर्थात हृदय गुहा की ओर लेकर जाता है। क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा है वहां पर कौन विराजमान है बताइए, आत्मा और वो आत्मा कैसी है, ज्योतिष स्वरूप है ना, अंगुष्ठ मात्र हमारे हृदय जी, रूपी मैं गुहा में अंगुष्ठ मात्र। निवास करती है। ओके, ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा मन को यजमान कहा गया है, समान को ऋत्विक या फिर होता कहा गया है, जो हवन में आहुति दी जाती है। ठीक है, यानी कि जो क्या बोलते हैं, समान वायु क्या करता है, सारे रसों को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है, सब और ले जाने का काम करता है ना, बल प्रदान करता है, इसलिए समान को ऋत्विक कहा गया है। और उदान जो है मन रूपी यजमान को प्रतिदिन किधर की ओर लेकर जाता है, ब्रह्मलोक की ओर लेकर जाता है, वो भी किस समय पर, निद्रा के समय। ठीक है, और ये जो है हृदय गुहा में निवास करते हैं। ओके, क्लियर है, आगे बढ़े। यस जी मैम, मैम, ये ऊर्ध्वश्वास और अधोश्वास का अर्थ है आप लोगों को समझ में आया ना, जो हम श्वास प्रश्वास की गति करते हैं, श्वास जो है बाहर और भीतर छोड़ते हैं, तो उसे ही कहा गया है। ठीक है, ये दोनों अग्निहोत्र की दोनों आहुतियां हैं। चलिए आगे देखते हैं, पंचम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गर्ग ऋषि ने कौन कौन से प्रश्न किए कि हमारे शरीर में जो है कौन सोता है, कौन देवता सोते हैं, कौन जागता है ना, कौन स्वप्न देखता है, कौन सुख का अनुभव करता है, और इन सब का आधार क्या है। ठीक है, ये सभी जो है गर्ग ऋषि के प्रश्न हैं पिप्पलाद ऋषि से। अब आते हैं हम पंचम प्रश्न में, सत्यकाम जो ऋषि हैं वो प्रश्न करते हैं, जिन्हें शिवीपुत्र भी कहा जाता है। देखते हैं इन्होंने क्या प्रश्न किया है। स यो ह वै तद भगवन मनुष्येषु प्राण प्रायणांत ओमकारम अभिधियात कतमं वापसा तेन लोकम जयतीति तस्मै स होवाच। ठीक है, अभि अभिध्या यित। ठीक है, स यो ह वै तदवन तद भगवन मनुष्येषु, यानी कि भगवान करके संबोधित कर रहे हैं पिपलाद ऋषि को,
मनुष्येषु प्रायणांत ओमकारम अभिध्यायेत, अर्थात मनुष्य जो है वो मृत्यु पर्यंत उस ओमकार का सदा भली भांति ध्यान करता है। वह उस उपासना के बल से किस लोक को निसंदेह जीत लेता है। अब यहाँ पर देखते हैं, सत्यकाम ऋषि पूछ रहे हैं कि मनुष्यों में वह जो कोई भी मृत्यु पर्यंत अर्थात मृत्यु के पश्चात उस ओमकार का सदा भली भांति ध्यान करता है, वह उस उपासना के बल से किस लोक को निसंदेह जीत लेता है, अर्थात किस लोक को वह प्राप्त होता है। तो यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं सत्यकाम ऋषि, क्योंकि सत्यकाम सॉरी पिपलाद ऋषि, सत्यकाम ऋषि ने किससे संबंधित प्रश्न किया था, ओमकार से संबंधित प्रश्न किया था, है ना, कि ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अब यहाँ पर पिपलाद ऋषि बोल रहे हैं, हे सत्यकाम, निश्चय ही यह जो ओमकार है वही परम ब्रह्म और अपर ब्रह्म भी है। इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले मनुष्य इस एक ही अवलंब से अर्थात प्रणव मात्र के चिंतन से, ठीक है, एक ही अवलंब से अर्थात चिंतन करना, मनन करना, अपर और पर ब्रह्म में से किसी एक का अनुसरण करते हैं, ठीक है, अपनी श्रद्धा के अनुसार। यहाँ पर बताया गया है, क्या बोल रहे हैं कि हे सत्यकाम, जिस जो ओमकार रूपी परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म दोनों को ही कहा गया है ना, ओमकार को पर ब्रह्म भी कहा गया है और अपर ब्रह्म भी कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले मनुष्य जो इनको जानता हो, ओमकार को इस रूप में जानता हो, वो उनका चिंतन करते हैं, और चिंतन करने से क्या होता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो अपनी श्रद्धा के अनुसार पर ब्रह्म का या फिर अपर ब्रह्म दोनों में से किसी एक का भी अनुसरण करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई है ये यहाँ पर बतला रहे हैं, एक मात्रा वाले ओमकार का ध्यान करने से क्या होता है, अर्थात मान लीजिए हम केवल अ का ध्यान कर रहे हैं, अ का ही उच्चारण कर रहे हैं, तो उससे किस चीज की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर बताया गया है, ऋचाओं द्वारा मनुष्य इस लोक और पृथ्वी लोक को प्राप्त कर लेता है, कैसे, जब वह तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होता है, ठीक है। तो जब कोई साधक एकमात्र वाले ओंकार का ध्यान करता है तो वह ऋचाओं द्वारा क्या होता है, मनुष्य लोक और पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है, और कैसे, तप और ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होता है, ठीक है। फिर जब कोई दो मंत्र वाले ओंकार का ध्यान करता है अर्थात अ और उ का ध्यान करता है, तो वह श्रुतियों द्वारा अंतरिक्ष में और स्वर्ग लोक में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, ठीक है। श्रुतियों द्वारा किसको प्राप्त करता है, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। फिर यदि कोई त्रिमात्रिक ओमकार का ध्यान करता है अर्थात अ उ और म तीनों का एक साथ ध्यान करता है, तो वह श्याम श्रुतियों द्वारा अर्थात श्याम वेद के द्वारा उस ब्रह्म लोक को या फिर तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त करता है, ठीक है। फिर केवल जो केवल ओमकार का ध्यान करता है, पूर्ण रूप से ओमकार का ध्यान करता है, वह क्या होता है, परम लोक की प्राप्ति होती है उसे, परम लोक अर्थात यहाँ पर जो पर ब्रह्म है उसकी प्राप्ति होती है, और पर ब्रह्म को क्या कहा गया, पुरुषोत्तम भी कहा गया है, ठीक है। और वह परम ब्रह्म कैसा है, शांत है, जरा रहित है, मृत्यु रहित है, भय रहित है और सर्वश्रेष्ठ भी है, ठीक है। तो जो हमारे सत्यकाम ऋषि हैं वो ओमकार की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका ध्यान करने से किस फल की प्राप्ति होती है, वो पिपलाद ऋषि से प्रश्न करते हैं। तो पिपलाद ऋषि यहाँ पर बताते हैं कि यदि कोई साधक केवल ओमकार के अमात्रा का यानी कि एक मात्रा का ध्यान करता है तो वह मनुष्य लोक या पृथ्वी लोक को प्राप्त होता है, और वो कैसा होता है, तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त होता है, या ये तीनों गुण उसमें होंगे तो वो पृथ्वी लोक या मनुष्य लोक को प्राप्त करेगा। जो दो मंत्र वाले ओमकार का ध्यान करता है अर्थात अ और उ का एक साथ करता है तो वह अंतरिक्ष लोक या फिर स्वर्ग लोक ये दोनों उसको प्राप्त होंगे, और जो त्रिमात्रिक ओमकार का ध्यान करता है अर्थात अ उ म वो ब्रह्मलोक या तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त करता है, और जो केवल ओमकार का पूर्ण रूप से, ठीक है, पूरा ओमकार का ध्यान करता है
वो क्या होता है, परम लोक की प्राप्ति करता अर्थात पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, ठीक है। और वह पर ब्रह्म कैसा है, शांत है, जरा रहित है, मृत्यु रहित है, भय से रहित है, सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर है सत्य काम ऋषि के प्रश्न? यस यस मैम। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। षष्ठम प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। षष्ठम प्रश्न, भारद्वाज पुत्र किसका है? सुकेशा का प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं सुकेशा ऋषि ने कौन से प्रश्न किए हैं। षोडश कलम भारद्वाज पुरुषम वेत, अर्थात जो 16 कलाओं वाले पुरुष हैं उसको कौन जानता है, ये जो है सुकेशा ऋषि प्रश्न कर रहे हैं किससे, पिपलाद ऋषि से, ठीक है। पहले वो अपने पिता से प्रश्न करते हैं, तो उनके पिता जो है पिपलाद ऋषि के पास भेजते हैं कि आप जाओ और वहां पर आप जो है पिपलाद ऋषि से प्रश्न करना। यहाँ पर देखिए बताया गया, सुकेशा यह प्रश्न कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ से पूछा था, यानी कि सुकेशा ऋषि से किसने पूछा था, जो कौशल देश के राजा थे हिरण्यनाभ, उन्होंने पूछा था। फिर सुकेशा जी ने अपने पिता भारद्वाज से पूछा, ठीक है। फिर भारद्वाज ऋषि ने उन्हें किसके पास भेज दिया, पिपलाद ऋषि के पास भेज दिया, ठीक है। तो सुकेशा ऋषि जो है उनके प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ नहीं थे, किनके, जो कौशल देश के राजा थे, जो राजकुमार थे हिरण्यनाभ, है ना। तो फिर वो अपने पिता के पास जाते हैं और उनके पिता जो है पिपलाद ऋषि से प्रश्न करने के लिए भेज देते हैं कि 16 कला वाला जो पुरुष है वह कहाँ रहता है, वह कैसा होता है, वह कौन है। तो पिपलाद ऋषि यहाँ पर आंसर देते हैं कि हे प्रिय, इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें ये 16 कलाएं प्रकट होती हैं, ठीक है। तो किस शरीर में, मनुष्य शरीर में ही जो है वह पुरुष कहाँ है, भीतर ही मौजूद है, ठीक है, वो भीतर ही उपस्थित है और उसमें ही ये 16 कलाएं हैं। अब ये 16 कलाएं कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला बताया गया, पहली कला है प्राण, दूसरा श्रद्धा, तीसरा आकाश, चौथा वायु, तेज, जल, है ना। आकाश, वायु, तेज, जल, ये हमारे पंच महाभूत हो गए। प्राण और श्रद्धा ये याद कर लीजिए, फिर पंच महाभूत हमारे, ये पृथ्वी भी शामिल होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे अंतःकरण मन आ जाएंगे, फिर इंद्रिय समुदाय आ जाएगा, है ना। फिर है अन्न, उसके बाद 11वें नंबर पर वीर्य, 12वें पर तप कहा गया है, फिर मंत्र, फिर कर्म, फिर लोक और 16वां नंबर का नाम। इस प्रकार से 16 कलाएं हैं पुरुष अर्थात परमात्मा की, ठीक है। कौन कौन से, प्राण, श्रद्धा, फिर आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत, फिर हमारे मन, उसके बाद इंद्रिय समुदाय, फिर अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और फिर नाम है, ठीक है। तो ये 16 कलाएं हैं, ओके। तो 16 कलाओं से युक्त पुरुष कहाँ रहता है और वह कौन है, ये प्रश्न करते हैं कौन, सुकेशा ऋषि, भारद्वाज पुत्र सुकेशा ऋषि, ठीक है। और उनसे ये प्रश्न किसने किया था, कौशल देश के राजकुमार हिरण्यनाभ ने किया हुआ था। तो जब वो देने में असमर्थ हो गए तो वो अपने पिता के पास गए और फिर उनके पिता ने पिपलाद ऋषि के पास भेजा। फिर पिपलाद ऋषि ने उन्हें बताया कि 16 कलाओं से युक्त जो पुरुष है वो हमारे भीतर है, पुरुष अर्थात जो परमात्मा है वही 16 कलाओं से युक्त है, ठीक है। क्लियर है ये? जी मैम। चलिए उसके बाद आगे और बताया गया है, ये देखते हैं हम। यहाँ पर क्या कहा गया है, पुरुष के बारे में अर्थात परमात्मा के विषय में कहा गया है। जिस प्रकार ये नदियां समुद्र की ओर लक्ष्य करके जाती हैं और बहती बहती हुई समुद्र को पाकर उसी में ही विलीन हो जाती हैं, उसके नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। जितनी सारी भी नदियां हैं वो क्या करती हैं, समुद्र में जाकर मिलती हैं, और समुद्र में मिल जाने के बाद क्या हम नाम से बता पाएंगे कि ये
ये इस नदी का जल है या उस नदी का जल है ना, तो उसके नाम रूप गुण वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको समुद्र इस एक नाम से ही पुकारा जाता है। इसी प्रकार सब ओर से पूर्णतया देखने वाले इन परमेश्वर की ये ऊपर जो 16 कलाएं बताई गई हैं, जिनका परमा आधार और परम गति पुरुष है। प्रलय काल में परम पुरुष परमात्मा को पाकर उन्हीं में ही विलीन हो जाती है तथा इन सब के पृथक पृथक नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं। फिर उनको पुरुष इस नाम से पुकारा जाता है, पुरुष अर्थात आत्मा के नाम से पुकारा जाता है, वही यह कल्प रहित और अमर परमात्मा ही है। ठीक है, तो जैसा कि कहा जाता है कि हम सब परमात्मा के ही अंश हैं। ठीक है, अभी मैं कृतिका हूँ, लवी जी हैं, सौरभ जी हैं, है ना, ये सब हम आत्मा हैं और अलग अलग नाम से। हम सब मृत्यु को पार करते हुए जब हमारी आत्माएं जाएंगी तो कहाँ, परमात्मा में ही मिल जाएंगी। तब हम बता पाएंगे कि कौन कृतिका है, कौन लवी जी है, कौन सौरभ जी है, विजय जी कौन है, है ना। तो हम सबका जो लक्ष्य है वो परमात्मा ही है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जिस प्रकार नदियां जो है समुद्र में मिलने के पश्चात हम उनके नाम रूप ये सब नहीं बता सकते, उसी तरीके से ये जो आत्माएं हैं मृत्यु के पश्चात परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, अर्थात इन सब का जो आधार है वो परमात्मा ही है। तब उस परमात्मा को हम एक ही नाम से जानते हैं, निराकार ब्रह्मस्वरूप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, अरा ईव रथनाभव कला यस्मिन प्रतिष्ठिता तम वेदयम पुरुषम वेद यथ मावो मृत्यु परिव्यथा इति। ठीक है, ये अरा ईव रथनाभव हम लोगों ने और कहीं पर देखा है, जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि के आधार पर क्या लगे होते हैं, पहिए पर अरे लगे होते हैं, वैसे ही जो कलाएं बताई गई हैं वो पुरुष की सर्वथा स्थित होती हैं। उस जानने योग्य परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए जिससे मनुष्य लोगों को मृत्यु दुख ना दे सके। ठीक है, मृत्यु यौम लोगों को, एक सेकंड ये देखते हैं ये क्या वर्ड है, सेकंड रुकेगा। ये ना यौम नहीं होगा, तुम लोगों को मृत्यु दुख ना दे सके, यानी कि यहाँ पर पिपलाद ऋषि जो है वो शुकेसा ऋषि को बोलते हैं क्या कि रथ चक्र की नाभि के आधार पर जिस प्रकार अरे स्थित होते हैं, ठीक है, जिसमें ऊपर बताई हुई सब कलाएं सर्वथा स्थित होती है अर्थात परमात्मा में, उस जानने योग्य सबके आधारभूत परम पुरुष परमेश्वर को जानना चाहिए। अर्थात ये जो जीवन प्राप्त हुआ है हमें परमात्मा को जानने के लिए प्राप्त हुआ है, अगर हम उसे जान जाएंगे तो हम मृत्यु के समय जो दुख होता है या मृत्यु के समय जो दर्द होता है, जो मृत्यु का हमें भय होता है, उन सब से हम जो है मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए सदा ही उस परमात्मा का चिंतन करते रहना चाहिए। जब हम उनका चिंतन करेंगे, उनको जान जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, तब हम जो है मृत्यु के बंधन से सदैव के लिए छूट जाएंगे, या मृत्यु रूपी वह जो भय है वो हमें दर्द नहीं दे सकती या हमें डरा नहीं सकती। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसका अर्थ बताया गया है, तो ये क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रश्नोपनिषद कंप्लीट हो गया। यहाँ पर 6 जिज्ञासु ऋषि हैं, वो अपने अपने प्रश्नों को लेकर महर्षि पिपलाद के पास जाते हैं हाथों में संविधा लेकर। ठीक है, फिर महर्षि पिपलाद जी जो है वहां पर एक वर्ष का कंडीशन रखते हैं कि आप तप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त हो जाओ, और जब मुझे लगेगा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ तब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। फिर सबसे पहले वो कबंधी ऋषि के देते हैं, है ना, कबंधी ऋषि के बाद कौन से ऋषि का प्रश्न देते हैं, आंसर करते हैं, बताइए। भार्गव। भार्गव ऋषि के बाद अश्वलायन। ओके, अश्वलायन ऋषि के बाद सूर्यपुत्र गार्ग। ओके, फिर फिर सुकेशा, फिर सत्यकाम। हाँ, सत्यकाम।
और फिर लास्ट में और फिर सुकेशा। सुकेशा ओके, तो तीन प्रश्नों को हमने कल पढ़ लिया था, आज हम गार्ग ऋषि के प्रश्न से देखें उन्होंने कौन से प्रश्न किए हुए थे, बताइए क्या मैम? गार्ग ऋषि ने कौन सा प्रश्न पूछा था? मैम गार्ग कौन सपना देख सपने दगस्तम देखता है, कौन जागता जीवात्मा और परमात्मा से संबंधित उन्होंने प्रश्न किया था, ठीक है, अगर एक वर्ड में देखा जाए तो। फिर उसके बाद हमारे सत्यकाम ऋषि ने कौन से प्रश्न किए थे? ओंकार की उपासना किस लोक को जीत लेती है? ओमकार का मैं पूछा था, ओमकार की मृत्यु के समय जो ओमकार का जप करता है उसको क्या होता है? ठीक है, जब हम केवल एक अक्षर का ध्यान करते हैं तो कौन से लोकों की प्राप्ति होती है? भूलोक, पृथ्वी लोक, मनु स्वर्ग लोक, पृथ्वी मनुष्य लोक। हाँ, मनुष्य या पृथ्वी लोग बोल सकते हैं या मृत्यु लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जब हम दो अक्षर अ और उ की उपासना करते हैं तब किसके कौन से लोक की प्राप्ति होती है? स्वर्गलोक, ओके, और जब हम तीन अक्षर की उपासना करते हैं तब? चंद्रलोक, सूर्य लोग तो सेकंड में आ जाएगा, सूर्य सेकंड में मैम। परम परम लोग तो इसमें आ जाएगा जब हम संपूर्ण ओम की उपासना करेंगे तब। जी मैम, तीन ओम का तीनों जप एक साथ करेंगे तो परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी। अच्छे से देखिए यहाँ पर। ओके, क्या कहा गया है? जब हम यहाँ पर दो मंत्र वाले ओंकार का ध्यान करते हैं तो अंतरिक्ष या स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, ठीक है, और जब हम त्रिमात्रिक ओंकार की उपासना करते हैं तो ब्रह्मलोक या तेजोमय सूर्यलोक। तो अपने आंसर पे अडिग रहना है लवी जी, अगर कोई बोल दिया यही होगा कि नहीं होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, और जब हम संपूर्ण ओमकार की उपासना करते हैं तब क्या होगा? परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी, अर्थात परम लोक की प्राप्ति होगी। ओके, ठीक है। चलिए अब बताइए, पुरुष की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? प्राण, श्रद्धा, पंच महाभूत, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिया, समुदाय, अन्न, वीर, तप, मंच, कर्म, लोक, नाम। मैंने इसमें कुछ देख के बताया है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए लवी जी बताइए अब। बहुत बढ़िया, मैम क्या पूछा? 16 कलाओं वाले पुरुष, तो वो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? मैम अभी याद नहीं हुआ। ओके, कोई नहीं, देख कर बताइए। मैम एक्चुअली खाना खा रहे हैं तो लिख नहीं पा रहे, सॉरी। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। सीमा जी बताइए। मैम प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, मैम देख के मैं भी बता रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम आप लोगों को याद तो होगा, देखकर भी बताओगे तो। प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, मन, इंद्रिय, में समुदाय, अन्न, वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को 6 ऋषियों से संबंधित जो प्रश्न है वो याद रखेगा, और जो इम्पोर्टेंट है हमारे ओमकार की उपासना है ना, और जो अलग अलग तरीके से उन्होंने प्रश्न किया है उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा प्रश्न उपनिषद कंप्लीट हो गया है, कल हम आगे बढ़ेंगे। कौन सा उपनिषद आएगा हमारा नेक्स्ट? मुंडक उपनिषद ठीक है, कौन से नंबर का उपनिषद है ये? पांचवे। ठीक है, मुंडक उपनिषद छोटा है या मांडू के उपनिषद छोटा है?
मैं मांडू और क्यों मांडू छोटा क्यों है, छोटा है? उसमें 12 श्लोक मंत्र हैं। ठीक है, चलिए तो कल हम पढ़ेंगे फिर हमारा मुंडक उपनिषद। चलिए, कमर गर्दन सीधी करी, आंखें सरलता से बंद, मन शांत, गहरी लंबी श्वास लेते हुए एक बार प्रणव उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वार्यसृष्टु शांतिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाएं, माता पिता गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। हरिओम आप सभी को, शुभ संध्या। चलिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट श्लोक या मंत्र है उसको याद करते रहिए, ठीक है? हरिओम सौरभ जी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेलकम मैम। जी, वेलकम।